नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। जी हां, ऋग्वेद में उल्लेखित इस भव्य मंदिर का निर्माण चंद्रदेव द्वारा किया गया था। भारत आने वाले विश्व प्रसिद्ध अरबी यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत किताब उल हिंद अर्थात हिंद की किताब में इस मंदिर की सुंदरता के बारे में भी लिखा था, जिससे प्रभावित होकर अफगानी शासक महमूद गजनवी ने सन 1025 में अपने 5000 सैनिकों के साथ इस मंदिर पर हमला किया और इसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट भी कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर को गिराया गया था और उस समय मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग मौजूद थे, जिनकी वहीं दबकर मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। जब दिल्ली सल्तनत ने सन 1297 में गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर से गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे 1706 में फिर से नष्ट कर दिया था। इस मंदिर को लगभग 17 बार नष्ट किया गया था और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। यह सिलसिला लगभग 650 वर्षों तक जारी रहा। वर्तमान समय में निर्मित मंदिर को भारत के प्रधानमंत्री प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनवाया गया है और 1 दिसंबर 1995 को पूर्व भारतीय राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने इसे देश को सौंप दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। मंदिर में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। मंदिर की आधारशिला 8 मई 1940 को सौराष्ट्र के पूर्व सम्राट दिग्विजय सिंह द्वारा रखी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 11 मई 1951 को मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप तीन प्रमुख भागों में बटा हुआ है। इसके शिखर की ऊंचाई लगभग 150 फुट है। मंदिर के ऊपर स्थित कलश का भार लगभग 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इस मंदिर में पार्वती, सरस्वती देवी, लक्ष्मी, गंगा और नंदी की मूर्तियां भी स्थापित है। भूमि के ऊपरी भाग में शिवलिंग के ऊपर अहल्येश्वर मूर्ति है। मंदिर परिसर में गणेश जी का भी एक मंदिर है और उत्तर द्वार के बाहर अघोर लिंग की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रभावनगर में अहल्याबाई मंदिर के समीप ही महाकाली का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। इस प्रकार गणेश जी, भद्रकाली तथा भगवान विष्णु आदि के मंदिर भी नगर में बने हुए हैं। नगर के द्वार के पास गौरीकुंड नामक सरोवर है। सरोवर के पास एक प्राचीन शिवलिंग भी है। इस क्षेत्र को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थान पर जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का स्मरण किया था। ऐसा बताया जाता है कि आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही हैं। महमूद गजनी द्वारा सन 1026 में की गई लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले जाया गया था। यह मंदिर रोजाना सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलता रहता है और यहाँ रोजाना दिन में 3 बार आरती भी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।